फ्रेंड्स, आज जन्माष्टमी का पवित्र पर्व है। आपको भी और विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय को भी मेरी तरफ से श्री कृष्ण जन्मोत्सव की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे बताया गया है कि गल्प क्षेत्र में जन्माष्टमी पर कृष्ण कथा सुनाने की परंपरा आज भी है। भारतीयों का, खासकर गुजरात और गुजरातियों का कृष्ण भगवान के प्रति जरा विशेष प्रेम है, विशेष श्रद्धा है। आज भी गुजरात के गांव में श्री कृष्ण का समर स्मरण करते हुए रासलीला की परंपरा चलती है और गुजरात से बहरीन का पुराना संपर्क है। तो यह स्वाभाविक है कि यहां भी कृष्ण भगवान की मुरली आपके हृदय में गूंजती ही होगी। यहां भी द्वारकाधीश के प्रति सद्भाव हो, ये मेरा सौभाग्य है कि कल मैं श्रीनाथ जी के मंदिर जाकर आप सबकी और आपके मेजबान देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। यह इस पूरे क्षेत्र में सबसे पुराना मंदिर है। हाल ही में श्रीनाथ जी के इस मंदिर को 200 साल हुए हैं। मुझे जानकारी है कि किस प्रकार श्रद्धा और उल्लास के साथ आपने और भारत से आए भक्तों ने यह अवसर मनाया। यह भी खुशी की बात है कि कल इस मंदिर के पुनर्विकास का काम भी औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। यह मंदिर आपके अंदर बसी आस्था का जीता जागता प्रतिबिंब है और साथ ही बहरीन की विविधता और सामंजस्य की उत्कृष्ट परंपरा का प्रतीक भी है। वहां अनेक लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बहरीन के समाज ने भारतीय आस्था परंपरा को बहुत सहज करके रखा है। साथियों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ सरकारों का नहीं, संस्कारों का भी रहा है, समाज का भी रहा है।
बहरीन की ग्रोथ स्टोरी में आपका बड़ा रोल है। यहां की मिट्टी ने आपको, आपके सपनों को, आपके अपनों के सपनों को नई उड़ान दी है, नए पंख दिए हैं, नए अवसर दिए हैं। जब भी मैं यहां की सरकार के भारतीयों साथियों के साथ, यहां के बिजनेस से जुड़े साथियों से, यहां पर बसे, यहां काम करने वाले साथियों की प्रशंसा सुनता हूं तो हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। आज भी रॉयल हाइनेस यहां के प्रधानमंत्री जी आप लोगों की इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे, तारीफ तारीफ आपकी हो रही थी, बात आपके पुरुषार्थ की होती थी, बात आपके संस्कारों की होती थी, बात आपके व्यवहार की होती थी और सीना मेरा चौड़ा होता था। भारतीयों की ईमानदारी, निष्ठा, कर्मशीलता और यहां के सामाजिक आर्थिक जीवन में आपके योगदान को लेकर यहां पर अपार सद्भावना है। आपने अपनी मेहनत से यहां अपने लिए जगह बनाई है और सबसे बड़ी बात है आपने यहां के लोगों के दिल में जगह बनाई है। इस गुडविल को हमें और मजबूत करना है।